वीवो का एक और लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो T3 अल्ट्रा बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 12 सितंबर इसकी लॉन्च डेट है और ये वीडियो आपको पता है किस लिए बनाई है मैंने, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूँ लीक स्पेक्स और साथ में एक्सपेक्टेड प्राइस भी कि कितने प्राइस में वीवो T3 अल्ट्रा आने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको ये सभी देखने के लिए मिलेगा। जो स्पेक्स मैं आपको बताऊंगा उसमें कुछ ऐसे हैं जो कंपनी ने कंफर्म कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो लीक्स में शामिल है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसकी एक माइक्रोसाइट कंपनी ने फ्लिपकार्ट पे लाइव कर दिया है और कंपनी वहां ये क्लेम करती है, ये कहती है कि ये अपने सेगमेंट का फास्टेस्ट कर्व्ड स्मार्टफोन है, यानी कि जिस सेगमेंट में आएगा उसका फास्टेस्ट है और साथ में कर्व्ड स्मार्टफोन भी है। ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए अब ये कैसा होने वाला है। और साथ में कंपनी भाई वीवो है तो ये तो कहती ही है कि हम स्लिम स्मार्टफोन बना रहे हैं। वैसे वीवो के स्मार्टफोन स्लिम होते भी हैं, कहने वाली बात नहीं है, सिर्फ वीवो अच्छे खासे स्लिम स्मार्टफोन बनाती है। खैर अब बात करते हैं इसके स्पेक्स के बारे में और बाद में आपको एक्सपेक्टेड प्राइस भी मैं आपको इसका बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीवो T3 अल्ट्रा की डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली एक 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया जाएगा और 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको दी जाएगी। स्क्रीन साइज अच्छा है और 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, तो जिनको कर्व्ड स्मार्टफोन पसंद है, कर्व्ड डिस्प्ले के स्मार्टफोन के लिए बेस्ट ये होने वाला है। एमोलेड डिस्प्ले अच्छी बात है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको दिया जा रहा है, तो डिस्प्ले में चीजें परफेक्ट आपको दी जा रही हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता था वो तो हम तभी बताएंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा, हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि भाई इस सेगमेंट में किस किसने क्या किया हुआ है, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे पास है, मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। और उस प्राइस के अंदर काफी सारे फोन आते हैं, भैया कंपटीशन तगड़ा मिलने वाला है इस फोन को भी, और ये भी तगड़ा कंपटीशन दे सकता है आई होप दूसरे स्मार्टफोन्स को। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। भैया कंपनी ने जो इसके अंदर दिमाग लगाया ना, मतलब जो प्रोसेसर लगाया है वो इतना गजब लगाया है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर है। भैया इसका एंथ्रेड स्कोर कंपनी क्लेम करती है 16 लाख प्लस आता है। भैया 16 लाख प्लस एंथ्रेड स्कोर मतलब गजब का एक परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा ये स्मार्टफोन, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखेगा। और गेमिंग वगैरह आप करते हैं तो आई होप इसके अंदर गेमिंग ऐसी आप कर पाए, आप कहोगे यार मजा ही आ गया गेमिंग करके, जो इसका एंथ्रेड स्कोर बता रहा। बाकी तो हम लोग एनालाइज करेंगे चीजों को, जब कंपैरिजन वगैरह हम लोग करते हैं अपने चैनल पे तो हम चीजों को देखेंगे, बट उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिलेगा इस स्मार्टफोन में। दोस्तों बाकी के स्पेक्स बताने से पहले आपको मुझे कुछ बात बतानी है कि मैं अपना एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, जिसपे आपको चीजें यानी कि जो डिटेल्स हैं, आपको स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला, कुछ लीक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सक्लूसिव या फिर जल्दी वहां पे देखने के लिए मिल जाए यूट्यूब चैनल से पहले भी। बाकी कुछ एप्लीकेशन है जिनके मोड APK वगैरह या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि पेड होती हैं, बट लेकिन अगर फ्री में यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे दे सकता हूं अगर आप बोलेंगे तो, मैं बहुत जल्द वो चैनल क्रिएट कर दूंगा। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको व्हाट्सएप चैनल चाहिए तो। बाकी बात रही मोड APK की, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूं कि कोई थर्ड पार्टी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल करो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बट वो ये ना लोग मुझसे पूछते रहते हैं भाई बता दो जुगाड़ ये कर दो वो कर दो, तो अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं मैं वहां पे एक चैनल बना लूंगा, वहां पे आपको दे भी दूंगा, बट सारा जो भी रिस्क होगा या जो भी चीजें होंगी वो सारी आपकी जिम्मेदारी होने वाली है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं आपको सिर्फ दे सकता हूँ, बाकी गारंटी वो आपकी होगी। आप उसको चलाने के लिए आपको चलाना है नहीं चलाना बस मैं तो मना करता हूँ, बट अगर आपको फिर भी यूज़ करना है तो आप वहाँ से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे चीज़ों को। तो अगर आपको चाहिए एक ऐसा व्हाट्सअप चैनल जिसपे आपको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए या फिर बहुत जल्दी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए टैक की भी, तो मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। और अब बारी आती है वीवो T3 अल्ट्रा के कैमरास के बारे में। रियर साइड में इसमें आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलेगा यानी कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का बताया जा रहा है और ये कंफर्म है, कंपनी ने कंफर्म कर दिया। इसके अंदर आपको सोनी का IMX921 सेंसर देखने के लिए मिलेगा, विद OIS ये कैमरा आने वाला है। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल होगा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया, कंपनी कह रही काफ़ी वाइड होने वाला है यानी कि अच्छी खासी ग्रुप सेल्फी आप इससे ले सकते हैं। और इसी के साथ कंपनी क्लेम कर रही है कि भैया इस स्मार्टफोन में आपको रियर साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से 4K 60fps तक शूट करने के लिए ये कैमरा अलाउ करते हैं, यानी कि आप 4K 60fps में वीडियो शूट कर सकते हैं अपने रियर साइड से भी और अपने फ्रंट साइड से भी। और अगर हम बात करें इसके पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में, तो इसमें 5500mAh की बैटरी मिलेगी और 80W की मिलेगी फास्ट चार्जिंग। तो बैटरी भी अच्छी खासी है, एवरेज 5000 आजकल चलती है, 5500mAh तो ज़्यादा ही है और 80W है तो फोन आपका बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे बड़ी बढ़िया बात है वैसे। बट अभी चार्जर यानी कि अडेप्टर बॉक्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जब इसका कंपेरिजन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा भाई आएगा या नहीं आएगा। और इससे अगर
इससे अलग आपको चीजें बताऊं तो IP68 की रेटिंग मिलेगी। कंपनी क्लेम करती है पानी के अंदर 1.5 मीटर नीचे जाने के बाद भी 30 मिनट तक फोन पानी में रह सकता है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। मैं आईपी रेटिंग पता है उसी को मानता हूँ जो जिसमें फोन को डुबा सकें। उससे पहले जो आती है ना 54, 65, 64, 63 ये ठीक है बट पानी की बूंदों से ही बचाती है ना, वो फिर मजा नहीं आया। बट हाँ, जो कंपनी ये कहती है कि हम IP68 की रेटिंग दे रहे हैं, 1 मीटर नीचे आराम से ले जा सकते हैं पानी में, वो मुझे लगता है कि हाँ यार ये है वाटरप्रूफ, कम से कम अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो ना। बाकी डुबो के चेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी में डुबोते टाइम, वैसे तो मान लीजिए IP68 की रेटिंग है, आपने पानी में डुबो दिया फ़ोन और वो ख़राब हो गया तो वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, मतलब वो वारंटी में ठीक नहीं होगा, समझ रहे हो। कंपनी कहेगी इसकी वारंटी नहीं है, बस वो IP68 की रेटिंग आपको देती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि बाय एक्सीडेंट वगैरह में आपका फ़ोन अगर पानी में गिर जाता है तो वो ख़राब ना हो, सिर्फ इसलिए होता है। वो ऐसे नहीं होता कि आप जानबूझ के डाल के उसको फोटो खींच क्लिक कर रहे हैं, ख़राब ही हो जाएगा, अगर होना होगा तो हो ही जाएगा, और फिर उसके बाद तो भैया पैसे ही लगने हैं, और पैसे तो तगड़े ही लगते हैं जब फोन खराब हो जाता है गीला होकर। खैर इसको छोड़ते हैं अभी, तो मैंने आपको बता दिया सभी कुछ, अब बात करेंगे इसके हम प्राइस के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें आपको 12 GB की वर्चुअल रैम देखने के लिए मिल जाएगी, अप टू 12 GB तक की वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम मैंने आपको बोला है कि भाई वर्चुअल रैम वर्चुअल ही होती है, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो, इसको वर्चुअल तरीके से ही लिया करो, क्योंकि जो ओरिजिनल काम है वो ओरिजिनल रैम ही करती है, सिर्फ दिखाने के लिए मान लीजिए, फिर 10-20% काम करती है रैम के जैसा, बाकी कुछ नहीं है, तो बस ऐसे ही मान लीजिए इसको। अब बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। दोस्तों मैं आपको जो प्राइस बताने वाला हूँ वो कोई कन्फर्म प्राइस नहीं है, लीक्स एंड रूमर्स में एक्सपेक्टेड प्राइस सामने आया वो बता रहा हूँ, बट हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूँ या तो यही प्राइस होगा या फिर इसी के आसपास देखने के लिए मिल सकता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बस यही होने वाला है। चलिए बात करते हैं पहले वेरिएंट की। तो पहला वेरिएंट 8128 का आपको मिल सकता है, जिसका प्राइस हो सकता है 30,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट मिल सकता है 8256 का, जिसका प्राइस हो सकता है 32,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट मिल सकता है 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज का, जिसका प्राइस हो सकता है 34,999 रुपये। तो ये कुछ प्राइस है मैंने इसको बता दिए, और इसका फोटोज़ वगैरह जिसके सामने आए अभी तक वो मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीन पर अपने अभी तक देख भी लियोगे बल्कि, तो ये पूरा स्मार्टफोन होने वाला है। और ये मैंने आपको जो स्पेक्स बताएं इसमें मैक्सिमम कंपनी ने कंफर्म कर दिए हैं, कुछ लीक्स वगैरह भी हैं, तो अगर आप टोटल मिलाएंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि 99% से 100% तक यही स्पेक्स होने वाले हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अब मैंने आपको एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता दिया है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि इसका कंपैरिजन कौन से स्मार्टफोन से देखना पसंद करेंगे आप, कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।